तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। तो आज हम लोग करने वाले खेलने वाले हैं स्काई ब्लॉक। आप मुझे बोलेंगे कि तुम्हें स्काई ब्लॉक का कहाँ से मिला, और आपको जाना पड़ेगा सर्वर्स में और लाइफ बोट में। इसके लिए आपको साइन इन करना ज़रूरी है, और इस पे इस सर्वर को ज्वाइन होने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्काई ब्लॉक का ऑप्शन रहेगा। आपको दिखाता हूँ आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आप देख सकते हो इसके मुंह में ऊपर स्पॉन हो गया था मैं, और यहाँ पर है ये क्या है, नेदर अपडेट का ये है स्काई ब्लॉक। आप देख सकते हो यहाँ पर स्काई ब्लॉक 2.2 वो है नेदर अपडेट का सर्वाइवल मोड। तो इसके अंदर हमको जाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे आप यहाँ पर ऐसे जाने के बाद वो हमें जो बूस्ट मिल गया बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर एक पोर्टल देख सकते हो, ये सेंडरशिश में हम कुछ भी सामान डाल सकते हैं, मतलब इसको खरीदना पड़ेगा। इसके अंदर जाएंगे, क्रिएट आइलैंड, डिफिकल्ट जनरेट, आपका आइलैंड जनरेट हो गया, हमारा कॉगलस्टोन जनरेटर आ गया, आपको एक बुक मिलेगी, ये ओपन शॉप नेविगेट और रिटर्न टू लॉबी के लिए। इस चेस्ट में बहुत सारे सामान दिए गए हैं, और पहले से ही इतने सामान दिए गए कि आपको ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर आपको क्या करने पड़ेगा कि आपको ऐसा ज़रूरी सामान लेकर आपको पहले इस वुड को चॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वुड तो चाहिए, ज़रूर चाहिए। इस वुड को मैंने चॉप कर दिया, और इसकी सैपलिंग्स जो मुझे मिलेगी अब उसे हमें रीप्लांट करना पड़ेंगे, इसलिए इसको तोड़ रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली तोड़ जाएगा पर बहुत ज़्यादा समय होगा। एप्पल मिल गया, देखो गैस मुझे, एक्चुअली मैं लाइव में करने वाला था, पर क्यों हर चीज़ लाइव में बोलकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा। आपको सैपलिंग नहीं मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा अनलकी निकले, और मुझे एक सैपलिंग मिल गई, और मुझे ये सैपलिंग फिर से या ऐसे प्लांट करना पड़ेगा। और इस पिकैक्स हमें दिए गए हैं ना गाइस, यहाँ पर आपको ऐसे स्पॉट बनाकर ऐसे माइन करते हुए लैपिस कैसे मिली, कुछ भी मिलते जा रहे हैं। पर आपको एक कॉगलस्टोन माइन करता जाना होगा। पर आपको रैंडम रजिस्टर्स फुल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे। पहले मैं कॉगलस्टोन तोड़ देता हूँ। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पहला डायमंड और मिल गया मुझे। ऐसे पूरा सामान आपको यहीं पर मिल जाएगा जो कि आप माइनिंग से ले सकते हो।
गाइस इतना देर माइंड किया आपने देखा ही होगा थोड़ी देर तो, पर मिले मुझे क्या इस लैपिस लाजुला का, मुझे क्या फ़ायदा होगा। मतलब मैं एंशाइनमेंट्स भी अभी नहीं करने वाला था और लैपिस लाजुली दिए गए मुझे के लिए। अब मुझे चाहिए एक फर्नेस, फर्नेस तो बनाना ही होगा। फर्नेस बना के यहाँ का रख लेते हैं और यहाँ पर बनाते हैं हमारे लिए स्लैब्स। देखो गैस फर्नेस के लिए 9 हो गई है पर स्लैब्स इतने सारे बन गए, अब देख ही सकते हो। हाँ मैं स्पीड ब्रिजिंग कर सकता हूँ पर एक मिनट, मैं स्पीड ब्रिजिंग कर तो सकता हूँ ना गैस। एक मिनट गैस, ये पूरा थ्रो कर देते हैं पूरा सामान। मुझे नंगा होना की कोई भी ज़रूरी नहीं है पर स्पीड ब्रिजिंग कर कर देखूंगा। यही उम्मीद थी मुझे यही उम्मीद थी, सामान नहीं जाता मुझे नहीं मारना, मैं तो ऐसे ही स्पीड ब्रिजिंग कर। अरे यार मैं ब्रिजिंग, मुझे स्पीड ब्रिजिंग की कोई भी शौक नहीं है, मुझे मेरे काम करते हुए जाना। ओ भाई मुझे थोड़ी से मेरे सामान होता सोचो मैं मर जाता वहीं पर। स्लोली चलते हैं कोई बात नहीं। आप मेरे HUD देख सकते हैं, HUD नहीं वो क्या है वो उसे क्या बोलते हैं पेपर डॉल देख सकते, कुछ भी यार कुछ भी। इतनी जल्दी ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, पहले मुझे ये बुक दिए गए थे ना। यहाँ पर आइलैंड पे चलते हैं, इसमें एक कैसी है एक तरह से हाई पिक्सल जैसा, अब कुछ भी कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पर आइलैंड्स वो सब नहीं मिलेंगे। ऑटो सेल जस्ट नहीं 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 मुझे चाहिए ओपन शॉप कर दिखाते हैं है क्या बल्स और सेल आइटम। डू यू रियली वॉन्ट टू सेल ऑल ऑफ द आइटम, ए मुझे क्या आइटम सेल करना है यहाँ पर। लैपिस मुझे लैपिस नहीं चाहिए, लैपिस और लैपिस को यहाँ पर ओपन शॉप। अबे यार ओपन शॉप यहाँ पर ये क्या है, मॉब ड्रॉप नहीं, फार्म नहीं, बकेट्स नहीं, एनशाइंटिंग इंचेंटिंग में ही आता होगा ना बस, और लैपिस को यहाँ पर सेल आइटम 16 -16 यार मतलब ये डिक्रीज मुझे चाहिए डिक्रीज सेल कर दो यार। ठीक है ऐसे ऐसे गाइस मुझे कॉइंस मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। एक क्या है बैग नहीं, क्या खर्चा रहता हूँ मैं, सेल कर दूंगा गाइस सेल करता हूँ, पूरा सेल करने के बाद मिलता हूँ आपसे 3 घंटे के बाद। गाइस फाइनली मैंने पूरा लैपिस को सेल कर दिया, मेरे पास आ चुके हैं 244 कॉइन्स। इससे मैं क्या बाय कर सकता हूँ, पूरे एक लैपिस लाजुला 4 कॉइन्स को बिका गैस। मॉब स्पॉनर्स तो मुझे अब नहीं चाहिए, ब्लॉक्स हाँ मेरे पास तो, एक मिनट
तो अच्छा इतने सारे हैं, मैं फार्मिंग कर कर ओ भाई मैं पोटैटोस फार्मिंग करूँगा, पोटैटो और टू लाऊँगा। पहले मुझे क्या करना है कि क्या करना है कि ओ यार गिर ही जाता मैं। एक ब्लॉक नीचे तो कर दूंगा, मेरा पूरे आइलैंड को नहीं करूंगा पर थोड़े आइलैंड को करूंगा जहां पर मैं फार्मिंग कर पाऊँ। ये देखो गैस बेडरॉक ही आ गया, मैं क्या करूं, क्या मैं यहीं पर फार्मिंग करूं? हाँ यहीं पर तो फार्मिंग करते हैं, अच्छा रहेगा। पर मुझे क्या लगता है कि एक ब्लॉक नीचे डिक कर कर फार्मिंग करना चाहिए भी। यार कैसी कैसी गड्ढे बना के रखे हैं, अब मैं क्या करूं? पहले मुझे चाहिए, ये कहाँ पर है ये आइस, होपफुली ये पानी बन गया। ओ भाई मैं तो डर गया था कि ये पानी ना बनेगा और पिघल जाएगा। और यहाँ पर पोटैटोस फार्म कर देते हैं। गाइस आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऐसे बना रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद इस, क्या मैं डर्ट को खरीद सकता हूँ? एक मिनट, मेरे पास तो इनफ डर्ट है ना, मैं यहाँ पर आइलैंड बनाऊंगा। यार एक डर्ट नीचे गिर गया, एक डर्ट लावा में चले गया, एक डर्ट नीचे गिर गया, मैं क्या करूं? इसमें सेंटर तो कुछ भी सेंटर में नहीं है, पर मैं आपके लिए ये ब्लॉक माइन करके यहाँ पर एक पानी का बकेट है क्या मेरे पास? है ना मेरे पास एक पानी का, एक मिनट, मेरा पानी का बकेट, वही सोच रहा था कि मैं कहाँ चला गया ये पानी का बकेट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पानी डाल दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दो उस पानी को। और यहाँ पर कूदो, इसके पर कूदो, मैं ये सब क्यों करना हो गाइस? क्योंकि यहाँ पर इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे पैसे 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 कर सकते हैं। इतनी पैसे हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग सोची होगी, क्योंकि मेरे पास तो उतने पैसे होने का सीन नहीं है। और 6 पोटैटोस और 6 कैरेट्स दिए गए हैं। इस मुझे मन कर रहा है कि इस गाजर को गाजर का हलवा बना कर खाऊं।
और यहाँ पर एक दो तीन पोटैटोस, एक दो तीन पोटैटोस, वन टू थ्री कैरेट, वन टू थ्री कैरेट, और तीन मेरे पास क्या पड़े हैं, पम्पकिन, ये है ना मेरे पास, एक दो तीन, क्या मेरे पास वुड पड़ी है, मेरे पास वुड पड़ी है, मैं फेंस गेट बना दूंगा क्योंकि मुझे मेरा सामान लॉस करने का इच्छा तो नहीं है। अभी यार मुझे क्राफ्टिंग टेबल चाहिए था, और मैं स्टिक्स बना लूँगा, और मैं यहाँ पर 15 फेंस गेट बनेंगे, 12 बहुत है, और गैस मैंने बना ली, और इसको चलते हैं लगाने के लिए, ऐसे लगाते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे और एक छोड़ दो, और ऐसे 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 और एक और ऐसे और ऐसे और एक और ऐसे, ये पानी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और एक ऐसे, मुझे लगा बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे, मुझे लगा था कि मुझे और ज़रूरत नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। क्या है ये सर्वर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, देखते हैं। और वन टू सिर्फ और सिर्फ थ्री, थ्री में ये तो नहीं होगा, मुझे तो पता चल रहा है कि ये थ्री में नहीं होगा, और वन टू थ्री फोर, फोर शाही है, एक मिनट, मेरे पास वुड पड़ा है क्या गाइस, इट्स चॉप चॉप टाइम, एक दो तीन चार, एक में चार वुड, क्या कहूँ अब, मतलब कुछ भी, एक मिनट, मुझे स्टिक्स चाहिए और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का वो भाई, मैं वेस्ट लिस्ट स्टिक्स बना, एक दो सिक्स तो इनफ होनी चाहिए, देखते हैं, मुझे लगता है इनफ नहीं है। आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं, पर पैसे की ज़रूरत है, पैसे पैसे, और उतने पैसे मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है तो बाय कर सकते हो, आपकी विश। और मुझे क्या करना, मैं क्या करूँगा कि ये देखो सर्वर कितना लाग है, कितना लाग करता है, कितना लाग करता है, और यहाँ पर एक सैपलिंग फिर से लगाएंगे, और यहाँ पर फिर से जाएंगे, और ये यहाँ पर नहीं 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 लावा 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 है, लावा है, लावा लावा नहीं, लावा चाहे लावा में मत जा, यहाँ पर फूटा, और यहाँ पर इसको भी चॉप कर देता, एक ओके तीन, वाह, इसे कहते हैं ना फैंटास्टिक, मतलब कुछ भी होता जाता है। मिली क्या सैपलिंग? हाँ मिली, ये नहीं मिली तो मैं रो देता अभी, ये सैपलिंग ग्रो होने का नाम भी नहीं ले रहा, क्यों मुझे पता है, पर मैं ऐसा लोग को नहीं बता सकता। और यहाँ पर ये स्टिक्स, तो गाइस हमारा प्यारा सा छोटा सा फार्म, नन्ना सा तो नहीं है पर रेडी है, इसे फार्म करते हैं, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर फुल्ली ग्रो नहीं हुए थे और बहुत ज़्यादा ही मिलते,
अब मुझे जाना है शॉप पे। मेरे आइलैंड को आप विजिट भी कर सकते हो, मुझे पता लग रहा है। और क्या है ये फार्म? फार्म में मेरे पास है पोटैटो। बाई $45, सेल $20। देखो क्या कहूँ अब, लाभ ये लेंगे नष्ट मुझे करेंगे। अब मुझे चाहिए बैक कैरेट। एक मिनट, कैरेट कितना का है? 45 20। ओके ये भी सेम, दो कैरेट। गैस हमारे पास हो चुके हैं 3 64। बहुत ज़्यादा आसानी से हो रहा है, पर मुझे देखना है कि डायमंड कितना रेट है। शॉप और डायमंड 190। यार मैं कर ही सकता हूँ ब्लॉक, डायमंड का ब्लॉक 1070। मतलब मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं पता। और अब मुझे क्या करना है? हाँ ये भी तो कर सकता हूँ, मैं वुड ग्रो कर रहा हूँ उसे भी सेल कर सकता हूँ। देखता हूँ कि कितने में बिका वुड। और ये वुड तो मैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वुड की, तो मैं वुड अब मैं सेल नहीं करने वाला। कितना लागी सर। हाँ अब कुल रहा, अब कुल रहा है, अब कुल रहा है। मैं इसका क्या करूँगा, कोल का तो ज़रूरत है, मुझे एक डायमंड भी मिला था गैस। और मैं इसका क्या करूँगा, बेच ही दूंगा ना, मैं तो उतना रेडस्टोन मास्टर तो नहीं हूँ। नहीं किया दोबारा ओपन शॉप। गैस मेरा चार्जिंग था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पर 50, और अब है गेस करो 31। वूल सेक्शन में क्यों मैं जा गया था? वर्स रेडस्टोन $4 का एक। वाह कैरेट्स, तो कैरेट्स और आलू, आलू तो बहुत, $20 का एक बिक रहा था। इसके क्या हो गया? मुझे लगता है कैरेट का हलवा और आलू का परोठा इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसका डिमांड बहुत ज़्यादा। एक एक सेल करने से बहुत ज़्यादा ही हो गई। ये क्यों काम करना है, नहीं काम कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, पर इतना लाग। दो तीन ओके बस मेरे पास आ चुके हैं $460 या कॉइन्स। ओके ठीक है गाइस, मेरे पास एक कैरेट उग चुका है, एक आलू। नाइस नाइस, ये आलू यहाँ पर, ये और ये वीट उगने का नाम भी नहीं ले रहा, इसे छोड़ दो। अब मैं इनको भी बेच कर आता हूँ गाइस। वाह एक सैपलिंग नीचे नहीं गिरा। ओ भाई कहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये यहाँ पर ग्रो नहीं होगी। मुझे ये यहाँ पर रख लेना चाहिए, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा बेकार है। और फार्म पोटैटो देखो गैस सेल $20 का है क्या? ये $20 है, वो $4 था रेडस्टोन, बताया था ना पोटैटो का, पोटैटो परोटा कुछ भी, मतलब कुछ भी। और ये 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, माइनिंग कर कर बहुत ज़्यादा सामान ले आकर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। गाइस आप देख सकते हो मैंने गोल्ड को स्मेल्टी में रखा है, पहले देखते हैं कि गोल्ड कितने का बिक रहा है। शॉप
लेके आ गया, ओपन शॉप। और यार और गोल्ड वाव 15, ओके। आयरन 10, ओके। ये गोल्ड का ब्लॉक 135, 59 जा गाइस, 59 जा। अरे यार ये क्या क्या 59 जा, ओके गाइस 59 जा 150। और हाँ मुझे लग रहा है कि मुझे 59 जा नहीं 15 10 जा 150। मुझे लग रहा है कि इसे ब्लॉक बनाने में बहुत ज़्यादा लाभ है और मुझे एक गोल चाहिए ब्लॉक बनाने में। तो अब गोल्ड मिल रहे आयरन, इसके बाद गोल्ड मिलेगा और मैं रकी हो जाऊंगा क्या? नहीं, ठीक है। कॉल स्टोन नहीं चाहिए। मुझे लगता है गोल्ड तो नहीं मिलेगा। और मुझे लगा गैस कि हम लोग बहुत सारे ब्लॉक्स और बहुत सारे ओर्स बेच रहे हैं, इन सबको ब्लॉक्स बना के बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए मैं सारे ओर्स को ब्लॉक्स बना के बेचूँगा आपसे। एक गोल्ड आने का नाम भी नहीं ले रहा, मुझे लगता है इसको इंडिविजुअली बेचना पड़ेगा। हाँ आ गया, तब से लेकर कड़ा हूँ, अभी आ गया। एक गोल्ड स्मेल कर रहे, इसके बाद आयरन रखूँगा गाइस, इस गोल्ड को स्मेल करूँगा, इसके बाद लगाऊंगा आयरन। यहाँ पर ये जा, ये यहाँ पर आ जा। अब मैं करता हूँ ये यहाँ पर आर्मर नहीं, एक यहाँ पर है। हाँ यहाँ पर गोल्ड का ब्लॉक और लैपिस का भी ब्लॉक बना देते हैं, 1 2 3, ओके। और लैपिस करेक्ट 3 ब्लॉक्स बना हुआ। अब मैं ओपन शॉप में जाता हूँ। अब मेरा 704 कॉइन्स है और ओपन शॉप में जाकर और उसमें जाकर गोल्ड ओर को कर देता हूँ, एक हो गया। और बेड में जाकर मुझे लगता है उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जल्दी बिक रहा है। 1 2 3, 704 था, 947 हो गया, बहुत ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। तो अब मेरे पास रेडस्टोन है, सिर्फ एक रेडस्टोन पड़ा है। क्या रेडस्टोन? नहीं। तो एक रेडस्टोन के लिए, वाह रेडस्टोन के जैसा अब जल्दी तो कोई भी नहीं आएगा। यूजलेस प्रोडक्ट है रेडस्टोन मेरे लिए। मैं रेडस्टोन बनाता हूँ पर यहाँ पर है ना, वही सोचा था मैं। क्या हो गया, ये बिकेगा नहीं क्या? ओपन शॉप कर देते हैं। स्पॉनर्स नहीं, अच्छी हट। क्या स्पॉनर? मैग्मा क्यूब। अरे यार वी कांट सेल दिस, बट इसकी प्राइस देखो यार, प्राइस देखो। नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सबसे लोएस्ट स्पॉनर है, वाह चिकन स्पॉनर, क्या करूं। और मुझे चाहिए यहाँ पर ओर्स, ओर्स में जलाकर मेरे पास है एक ये और ये, उसको एक बेच देते हैं और रेडस्टोन को भी 1 2 3 बेच देते हैं। और वापस जाकर देखते हैं कि इस ब्लॉक्स में कॉबलस्टोन बिकेगा कितना। $1 एक, मुझे नहीं चाहिए स्टोन बिकेगा क्या? ओके स्टोन भी $1 एक, वाह। ग्रेनेड, पॉलिश्ड ग्रेनेड, देखते डर्ट ही चाहिए, नॉर्मल डर्ट। $4 एक भाई, ओ भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ जितना।
तुम सोच रहे हो ग्रास ब्लॉक 35। क्या कहूँ मैं, क्या मतलब कुछ भी। बल्क सेलिंग को मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए सारे आइटम सोल्ड। कलर्ड ब्लॉक्स नहीं चाहिए। और अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मेरे इन्वेंटरी में रहे सारे सामान इसके अंदर डाल देता हूँ, और जो सामान मुझे नहीं चाहिए मतलब मुझे बहुत सारे सामान चाहिए। ये स्टिक भी चाहिए मुझे, ये स्टिक्स देखते हैं स्टिक्स किसने का बिकता है। ओपन शॉप, फार्म नहीं, ब्लॉक्स नहीं, और जनरेटर। भाई और जनरेटर, ये क्या, डायमंड और जनरेटर, एमरल्ड और जनरेटर, रेडस्टोन और जनरेटर, लैपिस और जनरेटर, गोल्ड और जनरेटर, आयरन और जनरेटर, कोल और जनरेटर। भाई ये क्या, मुझे ये बाई करना है, ज़रूर बाई करना। और बुक्स में इंशाइनिंग मतलब डायमंड, ऑब्सीडियन, लैपिस, लैपिस का कोई भी नहीं। बुक, बॉटल ऑफ इंशाइनिंग मतलब कुछ भी सेल कर रहे हैं, पर इसे ओपन कर कर इसे यहाँ पर जाकर ये यहाँ पर नहीं डाल नहीं सकते। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।